नमस्कार। आज हम 21 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। फेड ब्याज दर नीति से पहले कमजोर वैश्विक धारणा के बाद भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स नकारात्मक नोट पर खुले। निफ्टी 17,766 के स्तर पर खुला, जो बाजारों में कमजोरी का संकेत देता है। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,675 और सेंसेक्स 59,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। KPIT टेक ने 640 करोड़ रुपए में टेक्निका समूह की 4 कंपनियों का अधिग्रहण किया। यह सौदा अक्टूबर 2022 के अंत तक बंद होने की उम्मीद है। प्रथागत समापन शर्तों की पूर्ति के बाद और इसके अंत में टेक्निका समूह पूरी तरह से KPIT टेक्नोलॉजीज के स्वामित्व में होगा। बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की 29 सितंबर को बैठक होने वाली है। कंपनी के बोर्ड ने अपने प्रस्तावित 1:1 बोनस इशू के लिए रिकॉर्ड तारीख 26 दिसंबर तय की है। सुरक्षित या असुरक्षित गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर सहित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की 23 सितंबर को बैठक होने वाली है। गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 750 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की 23 सितंबर को बैठक होने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प ने मंगलवार को कहा कि उसने देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। पहल के एक हिस्से के रूप में दोनों कंपनियां पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के स्टेशनों के मौजूदा नेटवर्क में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगी। बाद में पूरक व्यावसायिक अवसरों के लिए सहयोग को व्यापक बनाने की संभावना के साथ। नियामक फाइलिंग के अनुसार रिजर्व बैंक ने बी विजयदुरई को ऋणदाता के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है। बैंक ने 20 अगस्त को RBI से बी विजयदुरई को पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। RBI के इनकार के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसने कहा कि नियामक ने उसे पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद के लिए एक अन्य स्वतंत्र निदेशक का नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है। सरकार ने मंगलवार को टूटे चावल के निर्यात की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले इसे 15 सितंबर तक की अनुमति दी गई थी। सरकार ने 8 सितंबर को टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। KRBL लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा चावल मिलर और चावल निर्यात में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। 8 सितंबर की अधिसूचना में कहा गया है कि 9 से 15 सितंबर की अवधि के दौरान टूटे चावल की कुछ कंसाइनमेंट्स को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। अरबपति गौतम अडानी के समूह ने हॉलसिम लिमिटेड से अधिग्रहण पूरा करने के कुछ ही दिनों बाद दो भारतीय सीमेंट फर्मों में लगभग $13 बिलियन मूल्य के शेयर गिरवी रखे, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की पूंजी के लिए भूख को दर्शाता है, क्योंकि उसका पोर्ट टू पावर समूह तेजी से फैल रहा है। उन दो कंपनियों में हिस्सेदारी ACC लिमिटेड के लगभग 57% और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में 63% भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को की गई अलग अलग फाइलिंग के अनुसार कुछ उधारदाताओं और अन्य वित्त दलों के लाभ के लिए भारित किया गया है। जूस एजेंसी बैंक की हांगकांग शाखा द्वारा कहा गया है। स्पाइसजेट ने लागत में कटौती के लिए लगभग 80 पायलटों को बिना वेतन के 3 महीनों के लिए छुट्टी पर रखने का फैसला किया है। एयरलाइन ने कहा कि ये खर्चों को युक्तिसंगत बनाने और फ्लीट को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक टेम्पररी उपाय है। बोइंग 737 फ्लीट और बम्बार्डियर Q400 फ्लीट के लगभग 70 से 80 पायलटों को 3 महीने की अवधि के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर रखा गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड KIL से 296 करोड़ रुपए में स्वराज इंजन लिमिटेड में अतिरिक्त 17.41% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। M&M ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप स्वराज इंजन लिमिटेड SEL में कंपनी की हिस्सेदारी 34.72% से बढ़कर 52.13% हो जाएगी। कंपनी ने 21,14,349 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है, जो कि KIL से SEL की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 17.41% है, जो कि 1,400 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा स्टील ने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर इशू के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, क्योंकि निदेशक मंडल ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहचाने गए निवेशकों को 20,000 रुपए के अंकित मूल्य के साथ 20,000 NCD के आवंटन को मंजूरी दी है। NCD को BSE के थोक ऋण बाजार WDM खंड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के धन्यवाद। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।